आईसीसी की टी20 रैंकिंग जारी कर दी गई है और भारतीय खिलाड़ियों को इस रैंकिंग में झटका लगा है। जी हाँ, ये ऐसा झटका जिसमें विराट कोहली 10वें नंबर पर हैं जो 9वें स्थान पर हुआ करते थे, और वहीं रोहित शर्मा टॉप 10 से बाहर हो गए हैं। लेकिन वहीं यान मॉर्गन की तारीफ करनी होगी, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जो सीरीज थी उसमें 136 रन बनाए थे 3 T20 मैचों में, और उन्होंने सच कहा जाए तो विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों को पीछे छोड़ दिया है और वो रैंकिंग में 9वें स्थान पर आ गए हैं। वहीं बाबर आजम इस रैंकिंग में टॉप पर बने हुए हैं जो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, और वहीं दूसरे नंबर पर KL राहुल हैं, विकेटकीपर बल्लेबाज, जिन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया था न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज़ में। उन्होंने इस सीरीज़ में 224 रन बनाए थे और वो दूसरे स्थान पर बने हुए हैं। हालांकि नंबर 1 और नंबर 2 रैंकिंग में काफ़ी फ़र्क है, और अगर हम गेंदबाजों की बात करें तो कोई भी भारतीय गेंदबाज इस रैंकिंग में नहीं है। और कभी ये कहा जाता था कि T20 क्रिकेट जो है तेज़ गेंदबाजों का क्रिकेट है, स्पिनर्स का इसमें कोई काम नहीं है, लेकिन इस रैंकिंग ने इस तथ्य को भी झुठला दिया है। जी हाँ, टॉप 10 में 9 गेंदबाज स्पिनर्स हैं। जी हाँ, टॉप 10 में 9 गेंदबाज स्पिनर्स हैं और महज एक गेंदबाज तेज़ गेंदबाज है। और इन 9 की भी अगर हम बात करें तो इसमें 4 लेग स्पिनर हैं, 4 लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं और 1 ऑफ स्पिनर है। लेफ्ट आर्म स्पिनर्स में 4 में से 1 स्पिनर लेफ्ट आर्म चाइनामैन है, शमसी, जो कि ताल्लुक़ रखते हैं साउथ अफ्रीका से, शमसी तरबेज, और बाकी 3 खिलाड़ी जो हैं लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर हैं। और ऑलराउंडर्स की अगर हम बात करें तो इसमें ज़्यादातर खिलाड़ी नॉन प्लेइंग टेस्ट कंट्रीज़ के खिलाड़ी हैं, उनकी भरमार लगी हुई है। तो अब कुल मिलाकर ये कहना ज़्यादा सही होगा कि भारतीय खिलाड़ियों को यदि T20 में अपनी रैंकिंग को सुधारना है तो निश्चित तौर पर खासकर गेंदबाजों को नियमित अच्छा प्रदर्शन करना होगा। और बल्लेबाजों में अब जो इस वक्त KL राहुल जो नंबर 2 पर हैं और 10वें नंबर पर विराट कोहली हैं, इनको भी अपनी रैंकिंग को बरकरार रखने के लिए अपने प्रदर्शन में निरंतरता लानी होगी। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, अपनी राय से हमें अवगत ज़रूर कराएँ, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।